हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो मेरे तीज पूजा का आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फिर उसी का ये सेकंड पार्ट है। ये तो ये है मॉर्निंग का टाइम, और मैं सुबह सुबह देखो दातुन कर रही हूँ, और इसके बाद नहाऊंगी। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड, गुड मॉर्निंग हो गया है। मैं बहुत जल्दी हूँ, अभी देखो मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ फिर से पूजा करने। तो किस वह पूजा नहीं होता और कंप्लीट नहीं होता है पूजा, तो चलिए देखते हैं, आके बात करूँगी आप लोगों से। फटाफट पूजा करने चलती हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ आंटी के घर पूजा करने। तो मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आपको जो सिंदूर लगा रही थी पिछले वाले वीडियो में, वो कौन है, आपकी सासू माँ? तो नहीं, मैं तो बाहर रहती हूँ, सासू माँ तो गांव में है। मैं मकान मालकिन के यहाँ पूजा करने गई थी आंटी के घर। तो ये जो है चश्मे लगाई हुई वो है मेरी आंटी ऑनर, और ये है उनकी पड़ोस की बहू। तो हम सब लोग मिल के ही पूजा कर रहे थे। तो जब जैसे रात में करते हैं पूजा, बिल्कुल सेम टू सेम सुबह भी उसी तरीके से, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में पूजा करते हैं, सब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, नहलाते हैं, आरती करते हैं, तभी पूजा कंप्लीट होती है। और उसके बाद आरती करने के बाद फिर जो भगवान मिट्टी का जो बनाते हैं मूर्ति, उसे पानी में विसर्जन किया जाता है, नदी में, तालाब में। तो इस तरह से जा करके ये पूजा कंप्लीट होती है। तो इसे एक तरह से बहुत ही बड़ा माना जाता है हमारे में, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो ससुराल से बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ दिया जाता है बहू को पूजा करने के लिए। नई साड़ी, जितने भी फल पकवान जितने होते हैं, सब कुछ स्पेशल तरीके से दिया जाता है पहला जब तीज पूजा होता है। तो फिर तो आप जैसे कीजिए, जितना आपकी शक्ति है वैसे करते कीजिए। तो ये देखो सुबह का पूजा भी अब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, और इसके बाद हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। तो मतलब कि जो उपास रहे थे अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है हम लोग, जब तक ये पूजा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो अभी देखो पूजा कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। फ्रेंड पूजा करके आ गए, और देखिए अभी 7:08 होने वाले हैं, 7 बज गए यानी कि, और अभी मैं प्रसाद खाऊंगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन फ्रेंड, पूजा हो गया है और अभी मतलब कि प्रसाद भी खा ली हूँ मैं, और अब चाय पीने जा रही हूँ, बहुत ही प्यास लग रहा है। और उसके बाद खाना वाना बनाओगी? कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखो आज की साड़ी, ये 2 साल पहले पहनी थी मैं तीज में, ये देखो। तो बस ऐसे ही होता है पूजा पाठ, और क्या। तो ये तीज पूजा बहुत ही हार्ड होता है करना, सबकी हालत ख़राब हो जाती है और मज़ा भी आता है। तो बहुत गर्मी लग रहा है ड्रेस में, अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी और सबको प्रसाद भी देना है। तो इस कपड़े पहन के नहीं हो पाएगा, तो कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो चलिए क्या बनेगा, चना का झोर भात, चना का कढ़ी बनाऊंगी, वही बनता है खाने में आज, तो वही बनाऊंगी। और चावल यही सब रहेगा, सब्जी वगैरह। तो देखती हूँ, अब बहुत लेट हो रहा है खाना बनाने में, बहुत सारा कपड़ा भी धोना है, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो इतने सारे कपड़े सुखाने हैं मुझे, बहुत तेज धूप है। हाँ
फ्रेंड यहाँ पे देखो, कपड़ा सुखाते सुखाते बहुत ही तेज गर्मी थी, हालत खराब हो गई। और साथ ही साथ इस तरह पानी गिरा था, मोटर भर गया था, तो मन करा था नहा लूँ। इतना ठंडा पानी था कि मज़ा आ गया हाथ पैर धो के। और यहाँ पे देखो ये घड़ी एकाएक रुक गई, तो मुझे लगा बैटरी ख़त्म हो गया, तो सच में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसे मैंने चेंज कर दिया। और ये देखो फ्रेंड, इसका इसके ऊपर ना मैं प्लास्टिक डाल देती हूँ इस टाइप का, तो ये इस तरह से घड़ी कभी गंदी नहीं होती, ना पुरानी होती है, बिल्कुल नई रहती है। तो ये टिप्स आप लोग भी अपना सकते हो। आप बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप प्लास्टिक डाले हो इस पे, उस ट्रांसपेरेंट वाला। और आज देखो मैंने खाने में क्या बनाया था, तो आज बनाया था कढ़ी चना का जोर भात, और चना का ही चोखा, और भिंडी का भुजिया, और आलू गोभी की सब्जी। तो ये था आज का मेरा खाना, तो जो कि मैं खा रही हूँ। और इस ये देखो आप लोग भी खा लीजिए। और आजकल इतनी गर्मी थी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो फ्रेंड आज मुझे शाम में कहीं जाना है, तो बने रहिए और देखिए कि कहाँ जानी हुई जा रही हूँ मैं। इससे पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े सुखाए थे ना, तो सभी सूख गए हैं, तब सबको तय करके रखने हैं। और उसके बाद अब शाम भी हो चुकी है, तो शाम का पूजा वूजा कर लूँगी ना, उसके बाद फिर तैयार होंगी जाने के लिए। तो देखिए कहाँ जा रही हूँ मैं। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आज मैं परी को मतलब कि कुछ खिला दूंगी, मुंह जूठा करा दूंगी, ताकि वो अब कुछ खा सके बाहर का। अब बड़ी हो गई है, तो इसीलिए आज अच्छा दिन है ना, इसीलिए आज परी को हेलो एवरीवन, गणपति गुड का ही इवनिंग। प्रसाद और खिला जी दूंगी कैसे परी हैं आप को। लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड अभी शाम हो चुकी है, मतलब 6:30, और देखिए हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो ये देखो मैं आज ये सुबह पहनी थी ना ये साड़ी, तो सोचिए ये साड़ी पहन लेती हूँ, एक ही बार धुल जाएगा। तो मैं जा रही हूँ तीज पूजा का प्रसाद देने एक आंटी के घर, तो बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, तो सोचा चलती हूँ, आज ही दे के आऊँगी और मिल भी लूँगी आंटी से, तो इसलिए रेडी हुई हूँ। और थोड़ा लेट भी हो गया है, तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं, आएंगे, 1 घंटा लग ही जाएगा वापस आते आते। तो घर का लाइट वगैरह सब बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड अब आकर मिलती हूँ आप लोगों से, और दिखाती हूँ मैं अपना साड़ी पूरा। हेलो, ये बबली जुल भी जा रहे हम। तो फ्रेंड देखो, मैं परी को आज गणपति का प्रसाद खिला रही हूँ, खीर मिला था, तो इससे अच्छा प्रसाद कुछ हो ही नहीं सकता। और इतना अच्छा दिन है, तो देखो परी को एक बार तो दी, फिर उसके बाद ले ही नहीं रही है। बड़ा अजीब है कि कैसे खाएगी, समझ नहीं आता है। हालांकि इतना अच्छा टेस्टी खीर था प्रसाद, फिर भी नहीं खा रही है दोबारा। एक बार तो ले ली मुंह में, चटपट कर ली मुंह, और अब नहीं ले रही है। तो धीरे धीरे आदत होगा, टेस्ट होगा खाने का। तो आज मैंने परी का खाना खिला दिया, अन्नप्राश जो होता है। हमारे में तो स्पेशल कुछ ओकेजन नहीं किया जाता है, बट कुछ अच्छा दिन देख करके खिला दिया जाता है। और देखो मैं अपने पर हमारे पास जो गणपति जी बैठे हैं, वो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो वहाँ भी दर्शन कर लिए हम लोगों ने। तो आसाम का तो अच्छा सा घूमना फिरना हो गया। और तो कहीं नहीं बैठे हैं टाउन में, बस हमारे बगल में बैठे हैं। और कहीं भी बैठे हैं तो छोटे छोटे ही बैठे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा बड़ा बड़े मेले लगते थे, बहुत सारे पंडाल बनते थे, बट 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। बट इतना हुआ फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर कि कम से कम गणपति जी का दर्शन हो गया, प्रसाद खाने को मिला, और बहुत ही अच्छा लगा देख कर। यहाँ पे परी इतनी खुश हो रही थी कि वो लाइट और गाने सुन के उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोग भी हमारे गणपति जी के दर्शन कर आ गए, लीजिए। बगल में ही बैठे थे। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि 2 साल पे देखे गणपति जी को।
बस 2 दिन के लिए आए हैं, तो अच्छा लगा हम लोग को। देखिए प्रसाद भी मिला है, स्पेशल भोग वाला है। हेलो दीदिया, खीर है इसमें, खीर। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। हेलो दीदिया, बाय बाय, टेक केयर, हेलो दीदी, हैप्पी गणपति पूजा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फ्रेंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।